देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की व्यवस्था दिन प्रतिदिन लचर होती जा रही है। लचर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में मरीज अब अपना बेड लेकर पहुंच रहा है और उसके बाद उसका इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि डिमना रोड की रहने वाली श्वेता के पेट में दर्द हुआ और इलाज के लिए वह MGM अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं था, मरीजों को फर्श पर इलाज किया जा रहा था। उधर पेट के दर्द से कराह रही श्वेता के परिवार वालों ने बाजार से फोल्डिंग खटिया खरीद कर लाया। इसी फोल्डिंग पर बैठकर उसने अपना इलाज कराया। श्वेता के परिजन उसे लेकर इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचे तो वहां बेड नहीं था, जमीन पर ही मरीज अपना इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने उसे जमीन पर लेटा कर इलाज करवाने को कहा। इसके बाद श्वेता और उसके परिजन बाहर से फोल्डिंग खरीद कर लाए। इस पर श्वेता लेटी और उसका इलाज हुआ। गौरतलब हो कि कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM की हालत खस्ता है, यहाँ बेड की काफी कमी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से ही विधायक हैं। इसके बावजूद MGM अस्पताल की हालत सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। MGM अस्पताल में भयंकर अव्यवस्था है, डॉक्टर मरीजों से सीधे मुंह बात नहीं करते। अस्पताल में मरीजों को दवा नहीं मिलती, अस्पताल में सिर्फ मरहम पट्टी का ही काम होता है, इसलिए गंभीर हालत में आए मरीजों को फौरन यहां से TMH या रिम्स रेफर कर दिया जाता है। जिनके पास पैसा होता है वह TMH पहुंच जाते हैं और जो गरीब होते हैं वह MGM अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं। क्या देखो मतलब ठीक हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? बेटी की तबीयत बिगड़ा हुआ है, तबीयत खराब है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? वो उल्टी हुआ, पैखाना हुआ, पेट दर्द हुआ, फिर ठीक हुआ, पानी चढ़ा है पानी। तो क्या फोल्डिंग यहाँ पर दिख रहा है, फोल्डिंग बेड दिख रहा है? बेड नहीं था, बेड नहीं था। अच्छा, फिर कपड़ा है बेड में आदमी दुकान से। आपका अपना है? अपना नहीं, दुकान देखा है। खरीदे हैं? हाँ, नहीं खरीदे नहीं, काम करते हैं, काम लेके आए हैं। अच्छा, आप लोग काम चलता है वहाँ? हाँ, काम चलता है। तो ये फोल्डिंग खुद अपने आप लोग लेके आए हैं? हाँ, लेके आए हैं अपनी बेटी के लिए। हाँ। उसमें और भी पेशेंट बैठे हैं? बैठे हुए, हाँ, बैठे हुए। आप लोगों ने बैठने भी दिया? हाँ। मदद की आप लोगों ने? हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम आरती वर्मा है, आरती वर्मा। कहाँ रहते हैं आप लोग? वही तो हीरा होटल डिमना रोड। हाँ, मानगो। हाँ। अच्छा, ये आज ही लेके आए फोल्डिंग बेड? हाँ हाँ। जी, क्यों लेकर के आए? मतलब लेकर आए बच्चे सोने के लिए, सोएगी बच्ची मैडम जी का है। तो यहाँ क्या बेड नहीं मिला? नहीं मिला, इसीलिए यहाँ सोई थी, यहाँ निकाल दिए हैं, वहाँ से इसीलिए लेकर के आए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस न्यूज। धन्यवाद।